हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। खैर मुकदम है, मैं आपका दोस्त हकीम जलाल खान आपकी खिदमत में एक शानदार नुस्खे के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे हमारे बताए हुए नुस्खों से फ़ायदा उठा रहे होंगे। भाइयों, जैसा कि बारहा आप देखते हैं हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियोज़ आपको बहुत सारी मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस आते हैं जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कुल मिला के यूँ समझ लीजिए कि सेक्सुअली प्रॉब्लम, चाहे वो उनको पेनिस में ढीलेपन की शिकायत हो, टाइटनेस नहीं रहती है, हार्डनेस नहीं रहती है, या टाइमिंग की शिकायत हो, अलग अलग भी हमने वीडियो बना के डाल दिए सिर्फ टाइमिंग के लिए या मनी को गाढ़ा करने के लिए या टाइटनेस के लिए। और एक वीडियो कुछ ऐसी भी है कि एक ही में सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। जो ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें जो है आपके जो नफ्स में तनाव में कमी है, पेनिस में जो तनाव में कमी रहती है, ढीलापन रहता है, सख्ती नहीं आती है, हार्डनेस नहीं आती है, तो उसके लिए स्पेशल है, उसके लिए खास है ये। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो जो ढीलापन है वो खत्म हो जाएगा, तनाव भरपूर आएगा, सख्ती बहुत रहेगी, टाइट रहेगा, खूब हार्ड रहेगा, और जब जाहिर सी बात है हार्डनेस होगी, टाइटनेस होगी, तभी आप हम बिस्तरी का, सेक्सुअल लाइफ का आप जो है अपनी फायदा उठा सकते हैं, उसका लुत्फ ले सकते हैं। जी हाँ, इसमें मात्र आपने तीन चीज़ें इस्तेमाल करनी है और बहुत आसानी से ये कलेक्ट हो जाएंगी तीनों चीज़ें। आप इसे इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह देखें कि आपके नफ्स में जो कमज़ोरी है, हाथ चला कर चला के कमज़ोरी आ गई, बहुत ज़्यादा आपने हस्त मैथुन किया है, चाहे 10 साल आपने हस्त मैथुन किया, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई नफ्स में, तो अब इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह वो नफ्स कमज़ोरी दूर हो जाएगी। आपने एक नंबर पे लेनी है कमर कस, पंसारी के यहाँ से ले लें कमर कस, साफ सुथरी अच्छी क्वालिटी कमर कस ले आए, और गुड़ ले लें और साथ ही साथ ले लें भुने हुए चने। ये तीनों चीज़ आप एक ही मात्रा में ले लें, बराबर मेदार में ले लें, 100 100 ग्राम, 50 50 ग्राम, जितना चाहें उतना ले लें। और इनको लेने के बाद आप इनको कूट लें, पीस लें, खूब बारीक इनका सफूफ यानी कि पाउडर तैयार कर लें, चूर्ण बना लें। अब इसे एयरटाइट डब्बे में रख लें। अब ये आपकी दवा तैयार है। अब आप डोज सुन लें, आपने 5 ग्राम यानी कि छोटा वाला चाय वाला पौना चम्मच आपने रात में सोते टाइम दूध के साथ लेना है, दिन में एक बार ले लें, आप इसको दूध के साथ ले लें और इंशाल्लाह इसको लगातार करते रहें। बस ये ध्यान रखें पेट में आपके कब्ज नहीं बने, कब्ज नहीं बनने दें, और तली भुनी गर्म चीज़ों से परहेज करेंगे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये नुस्खा आपको फ़ायदा देगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इन्हें मिस्टर के साथ, अल्लाह हाफिज़।